चाहते हो कुछ इस प्रकार का हैप्पी एनिवर्सरी वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करके किसी के भी एनिवर्सरी में विश करना, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा इस तरह का आपको हैप्पी एनिवर्सरी वाला स्टेटस वीडियो किस तरह से क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको काइन मास्टर ऐप का जरूरत पड़ेगा। अगर दोस्तों ये वाला स्टेटस वीडियो आप लोग खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो। अगर दोस्तों आप लोग मेरे से अगर कोई भी वीडियो एडिटिंग क्रिएट करवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करना, या दोस्तों आप लोग इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काइन मास्टर ऐप को ओपन करना है। काइन मास्टर ऐप आप लोग जैसे ओपन करोगे आपका काइन मास्टर का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है 1:1 को। उसके बाद आपको नीचे क्रिएट में क्लिक करना है और एक बार आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको राइट साइड के थोड़ा ऊपर में यहाँ पर आपको मीडिया ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कम से कम 8 से 10 फोटो आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर फोटो ऐड करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड की मिडिल में जो सेटिंग ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना है। नीचे एडिटिंग में आना है और आपको ऊपर डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन को 4 सेकंड रखना है और फोटो डिस्प्ले मोड को फिल स्क्रीन, ठीक है, और नीचे ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन को 1.5 सेकंड। इतना दूर सेटिंग करने के बाद उसके बाद आपको फोटो ऐड करना है, ठीक है। फोटो ऐड करने के बाद आपका वीडियो का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोटो में क्लिक करना है, पेन एंड जूम को ऑप्शन में जाना है, ठीक है। अगर आपका फोटो का साइज कुछ इस प्रकार से अगर आ रहा है तो आपको फोटो में क्लिक करना है, पेन एंड जूम को ऑप्शन में जाके आपको डबल लाइन में टिक करना है। टिक करने के बाद दो उंगली से इस प्रकार से फोटो को आपको जूम करना है, ठीक है। फोटो को जूम करने के बाद आपको फोटो का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं सभी सभी फोटो को पहले से ही एडजस्ट कर चुका हूँ। फोटो का एडजस्ट करने के बाद आपको जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको नीचे चले जाना है प्रेजेंटेशन ट्रांजैक्शन इफेक्ट में, आपको यहाँ पर क्लॉक वेव को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले 3 लाइन में क्लिक करके इसको नीचे वाला सिलेक्ट करना है, फिर से नेक्स्ट प्लस वाला आइकन में क्लिक करके फिर से आपको प्रेजेंटेशन में जाना है और क्लॉक वेव सिलेक्ट करने के बाद इस बार आपको फर्स्ट वाला ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्लस वाला आइकन में क्लिक करके क्लासिक मतलब फ्रंट ट्रांजेक्शन में आपको आना है। उसके बाद आपको सर्कल वेव वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको 3 लाइन में क्लिक करके यहाँ पर आपको नीचे वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्लस वाला आइकन में क्लिक करके आपको फ्रंट ट्रांजेक्शन में जाना है और सर्कल वाला सिलेक्ट करके आपको मिडिल वाला सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन और फ्रंट ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको वीडियो के एंड तक ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको वीडियो के फर्स्ट पोजीशन में आपको आ जाना है, ठीक है। आ जाने के बाद यहाँ पर आपको फोटो में क्लिक करके पेन एंड जूम के ऑप्शन में जाना है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको एंड पोजीशन इसको इस तरह से आपको जूम करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों स्टार्टिंग पोजीशन आपको ठीक ठाक एडजस्ट है, उसके बाद आपको डबल लाइन में टिक हटा लेना है। उसके बाद आपको एंड पोजीशन में जाना है और एंड पोजीशन को कुछ इस प्रकार से आपको जूम करना है, ठीक है। नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके पेन एंड जूम के ऑप्शन में जाना है, आपको वही प्रोसेस करना है, एंड पोजीशन थोड़ा आपको जूम करना है। जूम करने के बाद आप जैसे वीडियो को प्ले करोगे आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से थोड़ा एनिमेशन टाइप का प्ले होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से कर लिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पर आपको दोस्तों दिखने को मिलेगा एक एरो, हाँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसका ब्राइट थोड़ा आपको बढ़ा लेना है करीब 8 के आसपास। उसके बाद आपको नीचे वीडियो को सेव एज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेव हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट आपको दिखने को मिलेगा उसके थोड़ा बगल में आपको 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करके आपको डुप्लीकेट में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको 16:9 को सिलेक्ट करना है और आपको नीचे क्रिएट मतलब डुप्लीकेट में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना है और आपको फर्स्ट फोटो में क्लिक करना है। पेन एंड जूम के ऑप्शन में जाके आपको 2 उंगली से इस प्रकार से फोटो को फिल स्क्रीन करना है और फ्रेम एडजस्ट हो जाने के बाद डबल लाइन में क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट फोटो भी आपको उसी तरह से आपको इस तरह से जूम करना है और आपको डबल लाइन में क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपको वीडियो के एंड तक एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैं वीडियो के एंड तक सभी फोटो को एडजस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट में क्लिक करना है और प्रेजेंटेशन ट्रांजेक्शन इफेक्ट चेंज करके आपको क्लासिक ट्रांजेक्शन में आना है और क्रॉस फिट को सिलेक्ट करना है। फिर से आपको प्रेजेंटेशन ट्रांजेक्शन इफेक्ट में आपको मिलेगा, आपको नीचे फंड मतलब क्लासिक ट्रांजेक्शन में जाके आपको क्रॉस फिट को सिलेक्ट करना है और इस बार आपको जो आपको फंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट मिल रहा है यहाँ पर क्लासिक ट्रांजेक्शन इफेक्ट में जाके जूम आउट वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। दोस्तों ये दो ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, वीडियो के एंड तक। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैं वीडियो के एंड तक ट्रांजेक्शन इफेक्ट को चेंज कर चुका हूँ। उसके बाद आपको फोटो में क्लिक करके इसका विग्नेट आपको ऑन करना है, ठीक है। एक एक करके आपको वीडियो के एंड तक आपको इस प्रकार से सभी फोटो का विग्नेट आपको
ऑन कर लेना है। विग्नेट ऑन करने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में, लेयर ऑप्शन में जाके इफेक्ट ऑप्शन में आना है और बेसिक इफेक्ट में जाके ब्लर वाला इफेक्ट को ऐड करना है। ब्लर को वीडियो के चार तरह से कर लेना है। सेटिंग ऑप्शन में जाकर लेंथ 3 रखना है और आपको कर लेना है इस ब्लर को वीडियो के एंड तक। एंड तक करने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में और लेयर ऑप्शन में जाना है आपको और आपको सिलेक्ट करना है मीडिया ऑप्शन और यहाँ पर दोस्तों आपको एनिवर्सरी वाला टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है। टेम्पलेट वीडियो को ऐड करने के बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फिल स्क्रीन करना है और आपको नीचे मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, आपको करना है स्क्रीन। उसके बाद लेयर ऑप्शन में जाके आपको मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था काइनमास्टर से उसको आपको लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉपिंग ऑप्शन में जाके मार्क्स ऑन करना है। शेप्स में जाके गोल वाला शेप्स को ऐड करना है और इस शेप्स को आपको यहाँ पर जो आपको फ्रेम का सर्कल मिल रहा है यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इसको जूम करके आपको एडजस्ट करके यहाँ पर आपको बैठना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से 3 डॉट में क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो को एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों फ्रेम में फ़ोटो एडजस्ट करने के लिए एक फ़ोटो को आपको लेना है। क्रॉपिंग ऑप्शन में जाके मार्क्स ऑन करना है। शेप्स में जाके आपको ए वाला शेप्स को ऐड करना है और एक बार आपको बैक आ जाने के बाद इस शेप्स को थोड़ा ऊपर करना है और फिर से एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो फ्रेम मिल रहा है इस फ्रेम के साइज मुताबिक आपको इस फोटो को आपको बैठाना है कुछ इस प्रकार से। 3 डॉट में क्लिक करके इसको सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। करने के बाद आपको इस फोटो का लेंथ कर लेना है वीडियो के एंड तक। इसी प्रकार से आपको ऊपर 2 और फ्रेम मिलेगा, उस 2 फ्रेम में भी आपको इस प्रकार से फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं तीनों फोटो को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद आपको वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आके लेयर ऑप्शन में जाना है और मीडिया ऑप्शन मतलब दोस्तों टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जिसके नाम से वाला वीडियो एडिट कर रहे हो मतलब दोस्तों जिसके एनिवर्सरी में ये वाला वीडियो एडिट कर रहे हो उसका नाम आपको कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद डबल स्पेस दे देना है दोनों साइड में, डबल ए में जाना है और आपको ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। आपको जो भी टेक्स्ट इसका बेटर लगता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आपको इस नाम को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करना है और आपको इसको कर लेना है वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड तक करने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में। जैसे दोस्तों स्टार्टिंग पोजीशन में आके वीडियो को प्ले करोगे आपका भी वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार का वीडियो एडिटिंग अगर क्रिएट करने में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर इस वीडियो को आप सभी को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था।